आज स्टार्ट करेंगे हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअली ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन हम जब सांस लेते हैं है ना ऑक्सीजन अंदर गई उस ऑक्सीजन का क्या होने वाला है सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब रेस्पिरेशन जो एक सेल के अंदर चल रही है फॉर टेकिंग एनर्जी क्या प्लांट्स ब्रीथ करते हैं पहला क्वेश्चन अगर करते हैं तो उनके पास हमारे जैसा वेल डेवलप्ड ऑर्गन क्यों नहीं है कभी कभार ऐसा भी होता है बच्चों कि सेल में ऑक्सीजन नहीं है बट फिर भी रेस्पिरेशन हो रही है तो सबसे पहला वाला स्टेप है उसमें जो छह कार्बन ग्लूकोज है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू द रफ्तार सीरीज एंड आई एम योर यशिका मैम जो आज स्टार्ट करेंगे हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स तो सबसे पहले बच्चों आज हम इस लेक्चर में जो कंप्लीट करने वाले हैं दैट इज रिलेट करते हैं इनके बीच में रिलेशन क्या है या कहा रिलेटेड है उनके बीच में डिफरेंस क्या है हम उसके बारे में बात करेंगे बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है ठीक है और इसमें हम बात करेंगे एक ग्लाइकोलिस द वेरी फर्स्ट थिंग कि सबसे पहले बात आप ये बताओ बच्चों कि रेस्पिरेशन की जरूरत क्या है वॉट इज द नीड ऑफ रेस्पिरेशन बच्चों रेस्पिरेशन क्या है द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू रेस्पायर अब इस रेस्पायर का मतलब क्या है यार हम इतना खाना खाते हैं किस मकसद के लिए खाते हैं अगर हम खाना नहीं खाएंगे यार तुम्हें पढ़ना है तुम्हारे एनर्जी कहाँ से आएगी यार अगर पेट पूजा ना करो ना पढ़ने में भी मन नहीं लगता है ना बिकॉज वट एवर वी ईट उसका अंदर जाकर के ब्रेक डाउन होता है वो टूटता है उसके टूटने से मिलती है हमें एनर्जी और उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं बच्चों रेस्पिरेशन तो अगर हम खाएंगे नहीं हम अनशन पे बैठे हैं भूख हड़ताल पे बैठे हैं तो क्या हम सर्वाइव कर सकते हैं बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं है ना तो वो जरूरी है फॉर दर्पज ऑफ सर्वाइवल पहला ठीक है दूसरा जो भी हमारे शरीर को एनर्जी मिल रहा है वो रेस्पिरेशन के ही थ्रू मिल रहा है मैं बोल रही हूँ आप चल रहे हो आप पढ़ रहे हो व्हाटएवर यू आर डूइंग इवन आई एम मूविंग माय हैंड्स उसके लिए भी एनर्जी चाहिए कुछ एब्जॉर्ब हो रही है शरीर के अंदर व्हाटएवर यू आर डूइंग बच्चों उसके लिए क्या चाहिए हमें एनर्जी चाहिए और

ट्रांसपोर्टेशन जो चलती है तुम्हें एनर्जी कहाँ कहाँ चाहिए और रिप्रोडक्शन के लिए भी बच्चों एनर्जी चाहिए तुम ब्रीद कर रहे हो सांस ले रहे हो उसके लिए भी एनर्जी चाहिए ठीक है एक्सेट्रा सो so, इन सारे चीजों के लिए इसके अलावा भी बच्चों और बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर मेंशन नहीं की वो सारी चीजें एक्सेट्रा में आ गई कि किन किन जगहों पर हमें एनर्जी की जरूरत है ठीक है तो ये हो गया हमारा बेसिक व्हाई डू वी नीड और किस-किस काम के लिए हमें रेस्पिरेशन की जरूरत पड़ती है अब हम एक छोटा सा मोटा-मोटा जिक्र -मोटा करते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट बिटवीन एक्चुअली ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना जैसे हम इं क्या करते हैं आप पढ़ते होगे

म्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर तो फटाफट इसका डेफिनेशन लिखते हैं ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है बच्चों ब्रीदिंग का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गैसे सांस लेना सांस छोड़ना है ना और रेस्पिरेशन का क्या मतलब होता है ब्रेकडाउन ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ क्या ऑर्गेनिक मैक्रो

तो क्या हम इसको ये नहीं बोल सकते हम इसको ये भी तो बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक माइक्रोमोलिक्यूल क्योंकि जो ब्रेक डाउन हो रहा है वो किसके प्रेजेंस में हो रहा है ऑक्सीजन और इसको हम क्या बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन दैट मींस हम जो खाना खा रहे हैं बच्चों उसका हमारे शरीर के अंदर जाकर के ऑक्सीडेशन हो रहा है टू रिलीज एनर्जी दिस इज वॉट डू वी मीन बाय रेस्पिरेशन इजी ठीक है बहुत सिंपल तरीके से बता रहे हैं ठीक है धीरे धीरे चलेंगे बिकॉज आई नो ब कुछ बच्चों को ये टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है है बिल्कुल भी नहीं जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट नॉट दैट ट्रिकी बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है बच्चों और धीरे धीरे प्रोसीड करना है ओके okay, तो अब हम बात करते हैं हम बात किसकी करेंगे हम बात करेंगे बच्चों सेल्यूलर रेस्पिरेशन की सेल्युलर रेस्पिरेशन मतलब रेस्पिरेशन जो एक सेल के अंदर चल रही है फॉर टेकिंग एनर्जी ठीक है एटीपी को बनाने के लिए तो इसको डिफाइन करते हैं बच्चों अभी हमने बोला कि सेल के अंदर खाना टूटता है वो टूटना होता है ऑक्सीजन के अंदर तो हम इसको क्या लिखेंगे हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन या हम लिखते हैं ब्रेकडाउन ब्रेकडाउन ऑफ सबस्ट्रेट या सिंपल भाषा में कह लो खाना ठीक है ऑक्सीडेशन और ब्रेक डाउन ऑफ सबस्ट्रेट और फूड टू रिलीज वॉट टू रिलीज एनर्जी अब ये एनर्जी तो रिलीज हो गई अब इस एनर्जी को कैसे इस्तेमाल करें अब इस एनर्जी की ट्रैपिंग होगी सेल इसको ट्रैप करेगा ट्रैपिंग ऑफ दिस एनर्जी ट्रैपिंग ऑफ दिस एनर्जी टू सिंथेसाइज़ और यू कैन से फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी हुआ है, बच्चों, of ठीक है? ये है हमारी, जो हमारी लिखती है ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स अच्छा एक बात बताओ वैसे तो हमें बचपन से यही पढ़ाया गया है कि फोटोसिंथेसिस में खाना बनता है तो वो क्या है सिंथेसिस मतलब एनाबॉलिक प्रोसेस है इसमें

और जब ब्रेकडाउन और सिंथेसिस दोनों होती है तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं ऐसे प्रोसेस को हम एम्फीबॉलिक बोलते हैं दिखाऊं कैसे देखो हमने क्या कहा यहां पर? खाना टूट ग्लूकोज है, है ना वो खाना क्या है वो खाना ग्लूकोज है ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों सी सिक्स एस ट्वेल्व ओ टूटता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ठीक है और वो टूट के हमें क्या देता है सिक्स CO2 टू प्लस सिक्स एच टू अगर तुम इसको बैलेंस करोगे बच्चों तो यहाँ पर भी 6 आ जाएगा इफ आई एम नॉट है ना तो बैलेंस में नहीं जाते वो तो देख लेना तुम तो यहां पर क्या हो रहा है बच्चों यहां पर हो रहा है हमारा कौन सा प्रोसेस कैटाबॉलिक प्रोसेस क्या क्योंकि यहां पर टूटा है ग्लूकोज अब क्या होता है हमने बोला जब ग्लूकोज टूटेगा कोई खाना टूटेगा तो एनर्जी रिलीज होगी कितनी एनर्जी रिलीज होती है हमने क्या बोला इस एनर्जी को ट्रैप किया जाता है किसके लिए सिंथेसिस के लिए सो व्हाट वुड नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट स्टेप जो होगा बच्चों प्लस एक इनऑर्गेनिक फोस्फेट कंबाइन करता है इस एनर्जी की ट्रैपिंग होती है देन इट लीड्स फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट और इसी को हम क्या बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ सेल तो पहले स्टेप में क्या हुआ ग्लूकोज टूटा कैटाबॉलिक, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है एटीपी बन रहा है दैट इज एनाबॉलिक और यहाँ पर कैटाबॉलिक और एनाबॉलिज्म दोनों चला है तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों एम्फीबॉलिक एम्फीबॉलिक क्या बोलते हैं हम इसको और इस वर्ड का इस्तेमाल हमारी एनसीआर भी करती है ठीक है तो हमने अभी तक देखा बच्चों ग्लूकोज के टूटने से एनर्जी निकली एनर्जी की ट्रैपिंग हुई किस पर्पज के लिए एटीपी को बनाने के लिए इनसाइड सेल दिस इज सेट टू बी अ सेल्यूलर रेस्पिरेशन ठीक है अच्छा एक बात बताती हूँ जो ये ग्लूकोज टूटता है ना ये एक स्टेप में नहीं टूटता है हमें बचपन से एक रिएक्शन रटा दी जाती है देखो भैया ग्लूकोज टूट गया ठीक है हमें लग रहा है कि एक रिएक्शन एक स्टेप में ग्लूकोज टूटा है नहीं ये एक स्टेप में नहीं टूटता ये तो समराइज इक्वेशन है एक रेस्पिरेशन की बट दिस इज नॉट अ वन स्टेप प्रोसेस अगेन ये लाइन एन में है चलो बच्चों लिखते हैं दिस इज वॉट दिस इज नॉट अ सिंगल स्टेप बहुत मल्टीपल स्टेप्स लगते हैं जिसमें step, और भी होते हैं, होते हैं बच्चों जिसमें एटीपी बनती है तो अगर सवाल आए कि सिंगल स्टेप प्रोसेस है तो कतई गलत कर देना नहीं एटीपी एक ही बार में बन जाती है बिल्कुल भी नहीं बहुत मेहनत लगती है एक ग्लूकोज को तोड़ने में या सबस्ट्रेट को तोड़ने में इन साइड दी सेल, फिर हमारी NCRT लिखती है कि रेस्पिरेशन के थ्रू अगर हम की बात करें तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है फूड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है फूड का बट ये ऑक्सीडेशन एक स्टेप में नहीं होता इट रिक्वायर्स मल्टीपल स्टेप बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं बच्चों जैसे तो तुम्हारे जहन में ये बैठ जाए ठीक है दूसरी चीज है यार आप एक देखो यहां पर क्या हो रहा है बच्चों एनर्जी को हम इस्तेमाल कर रहे हैं को हम क्या कर रहे release कर रहे रहे हैं? हैं. जैसे यार chemistry में तुम पढ़ते हो ना endothermic और exothermic reaction, थर्मा वर्ड वहाँ पर किसके लिए होता है हीट के लिए हीट एब्जॉर्ब हुई तो एंडोथर्मिक रिलीज हुई तो एक्सोथर्मिक क्लियरली मतलब क्लियर है सिमिलरली यहाँ पर एनर्जी रिलीज हुई है और अगर किसी प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोला जाता है एक्सरगोनिक प्रोसेस क्या बोला जाता है बच्चों एक्सरगोनिक प्रोसेस ये याद रखना ठीक है कि रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी को हम ट्रैप करते हैं इस्तेमाल करते हैं तो वो एक्सरगोनिक प्रोसेस नहीं है ठीक है तो ये बात हो गई अब चलते हैं बच्चों हम हमने बोला कि यहाँ पर एटीपी बन रही है किसके

ATP formation इज नोन एज फॉस्फोराइलेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अब अब हम पढ़ने वाले हैं क्योंकि क्वेश्चन ही इसमें phosphorylation से आता है ठीक है सिंपल सी बात है फॉस्फोराइलेशन का मतलब एडिशन ऑफ फॉस्फेट है ना उससे उस बनता है ATP, that is दैट इज phosphorylation. अब phosphorylation के होते हैं बच्चों तीन टाइप्स कितने टाइप्स तीन टाइप्स चलो आओ पढ़ते हैं जैसे हा टाइप ऑफ फोस्फोराइलेन कितने टाइप्स है चलो एक होता है फोटोफोस्फोराइलेन कौन सा होता है बच्चों फोटो फोस्फोराइलेन नेक्स्ट इज सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेन सबस्ट्रेट लेवल फोस्फो राइलेशन और एक होता है बच्चों ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको समझ में आना चाहिए इन तीनों का मतलब क्या है देखो तो आपको नाम से पता चल रहा है बच्चों इसमें आ रहा है फोटो फोटो का मतलब क्या होता है लाइट का मतलब क्या होता है एटीपी की सिंथेसिस तो यहां से आप क्या सीखे यहां से आप ये सीखे कि यह जो ए टीपी की सिंथिस होगी दैट वुड अकर इन दी प्रेजेंस ऑफ लाइट और ये कहां पर होती है बच्चों में इन सेल्स इन सेल्स और फोटो सिंथेटिक सेल्स के पास क्या होता है क्लोरोप्लास्ट तो इस तरीके की फॉस्फोराशन कहा चलेगी क्लोरोप्लास्ट के अंदर

चलेगी और ये वाला फास्फोराइलेशन हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस में मतलब इस चैप्टर में हमें इस वाले का काम नहीं है इस चैप्टर में हम पर्टिकुलरली डील करेंगे सिर्फ इन दोनों फास्फोराइलेशन के साथ ठीक है अब हम बात करते हैं बच्चों व्हाट इज सबस्ट्रेट लेवल आप जब रेस्पिरेशन के स्टेप्स पढ़ोगे ना तो कहीं-कहीं पर आप देखते हो कि डायरेक्ट एटीपी बन जाती है कहीं-कहीं पर आप देखोगे एनएडीएच बना है या एफएडीएच2 बना है तो जहां जहां पर डायरेक्ट एटीपी फॉर्मेशन हो जहां जहां पर डायरेक्ट एटीपी फॉर्मेशन हो बच्चों उस उस फिनोमिना फिनोमिना को को क्या बोलते है? उस को हम बोलते हैं हैं हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन मतलब सबस्ट्रेट को इस्तेमाल किया और डायरेक्टली एटीपी बना लिया दैट इज सेड टू बी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन ठीक है ऑक्सीडेटिव कब बोलते हैं ऑक्सीडेटिव हम बोलते हैं इनडायरेक्ट एटीपी फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं बच्चों इनडायरेक्ट एटीपी फॉर्मेशन और ये इनडायरेक्ट एटीपी फॉर्मेशन कहाँ से होगी बच्चों आप पढ़ोगे ईटीएस में ये इनडायरेक्ट एटीपी बनती है एनएडीएस से और एफएडीएस टू से ठीक है इनके पास भी एटीपी छुपा हुआ है बट वो एटीपी अभी आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है इनको तोड़ना पड़ता है

इनर मेमब्रेन ऑफ माइटो कॉन्ड्रिया इनर मेमब्रेन ऑफ माइटो कॉन्ड्रिया बट बच्चों माइटो तो सिर्फ यू के पास होता है तो क्या इसका मतलब यह है कि प्रोकैरियोट्स में यह प्रोसेस चलता ही नहीं है दैट मीन्स प्रोकैरियोट्स कैरियो में एटीपीओ बनती ही नहीं है ऐसा तो होगा नहीं प्रोकैरियोट्स को भी भैया एनर्जी चाहिए है ना दीन्स उनमें भी ये चलता होगा, बट उनके पास तो है नहीं, तो फिर कहां चलता होगा? याद करो, भले ना हो, है क्या इसके में ही तो करा रहे हैं, और वहाँ पे भी अंदर की तरफ के क्या बना लेती है, जोम्स और हमने वहां लिखा था कि ऑफ रेस्पिरेशन ठीक है तो अगर प्रोकैरियोट्स के लिए पूछे तो क्या मार्क करोगे बच्चों और मीजोजोम्स क्या होते हैं? Extensions of plasma membrane. तो मैंने दोनों बातें लिख दी हैं बच्चों कि में में, में में। ये ये चलती है मीजोजोम्स में, में प्रोसेस चलेगी सब पढ़ोगे डिटेल में. तो दो तरीके के फॉस्फोरेशन हमने यहाँ से समझे एक सबस्ट्रेट लेवल जिसमें डायरेक्ट एटीपी बन जाती है एक ऑक्सीडेटिव जिसमें हम एटीपी बनाते हैं इनडायरेक्ट तरीके से किससे बनाते हैं आपको जैसे जैसे मैं बताते रहूंगी आपको ये भी बताते रहूंगी देखो भाई यहाँ पर सबस्ट्रेट लेवल वाली चली है यहाँ पर ऑक्सीडेटिव वाली चली आई विल टेल यू एवरी थिंग ओके सो ये कहानी हो गई बच्चों हमने टाइप्स ऑफ फॉस्फोराइलेशन पढ़ लिया है ठीक है नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बच्चों एनसीआरटी का सवाल एनसीआरटी हमसे पूछती है यार क्या प्लांट्स ब्रीथ करते हैं पहला क्वेश्चन अगर करते हैं

With the help of, with the help of stomata, with the help of stomata and lenticels, with the help of stomata and lenticels. Stomata क्या होता है बच्चों? Bean shaped structure होता है इस तरीके का और ये इसके through अपने gaseous exchange करा सकता है और gaseous exchange को हम बोलते हैं breathing है ना?

है ना द्रीध ले जैसे हमारे पास ये ओपनिंग्स है पर्टिकुलरली हम इसी ओपनिंग का इस्तेमाल करते हैं सांस लेने के लिए बट उनके पास देखो ना इतनी सारी लीव्स है और सारी लीव्स हवा में ही तो है और हर लीव्स के पास क्या है स्टोमेटा है तो इनको इतनी डिमांड ही नहीं है जितनी डिमांड हमारे को है ठीक है इसीलिए हमारे पास भगवान ने हमें अच्छा वाला बड़ा ऑर्गन दिया है उनको इसकी जरूरत नहीं है तो एक एक करके जो एनसीआर में कारण दिए हुए हैं बच्चों उसको हम मेंशन कर लेते हैं सबसे पहला रीजन देर इज नो सच ग्रेट डिमांड देर इज नो सच ग्रेट डिमांड या फिर लिख सकते हो दे कैन टेक केयर ऑफ देयर ओन दे कैन टेक केयर ऑफ एक्सचेंज ऐसे लिख लो टेक केयर ऑफ नीड्स नीड्स का मतलब वो खुद ही अपना गैसेस एक्सचेंज कैसे करना है उसकी देखभाल कर सकते हैं ठीक है दूसरा जो रेस्पिरेशन होती है दे अकर एट वेरी दे अकर एट कौन-कौन पे करता है रूट स्टेम होते हैं. इनकी जो रेस्पिरेशन होती है वो इतनी fast नहीं होती, जैसे हमारे में चलती है और बच्चों और क्या होता है दे हैव प्रेजेंस ऑफ लूज पेरेंकाइमा लूज पेरेंकाइमा का मतलब क्या हो गया बच्चों दे हैव लूजली ली अरेन्ज सेल्स तो उसकी वजह से इनके पास बहुत सारे क्या होते हैं एयर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं और एयर स्पेसेस प्रेजेंट होने की वजह से आसानी से वो अपने एक्सचेंज और क्या होता है डिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा नहीं होता है ना दो जो सेल्स हैं वो इतने पास पास होते हैं कि आसानी से डिफ्यूजन पॉसिबल होती है तो लिख लेते हैं डिस्टेंस डिस्टेंस नॉट वेरी फार देयर फॉर डिफ्यूजन कैन ईजिली डिफ्यूजन कैन ईजिली टेक प्लेस तो इन सारे वजहों की वजह से मतलब रीजन की वजह से देर इज नो सच रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन प्लांट्स ठीक है दूसरी बात बच्चों यहाँ तक हमने सिर्फ इंट्रोडक्टरी सेक्शन पढ़ा है जिसमें हमने कवर किया है व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन सेलुलर रेस्पिरेशन में ब्रेकडाउन और सिंथेसिस दोनों साइमल्टेनियसली हो रही है मतलब एक के बाद एक तो व्हाट वी से इट इज अ प्रोसेस ठीक है जो भी एनर्जी बनती है एटीपी बनती है वो एक स्टेप में नहीं बनती बहुत सारे मल्टीपल स्टेप्स लगते हैं फिर हमने क्या देखा है बच्चों हमने देखा है कि एटीपी तीन तरीके से बन सकती है एक फोटोसिंथेसिस वाली और एक रेस्पिरेशन वाली रेस्पिरेशन में हमने दो चीजें पढ़ी सबस्ट्रेट वाली और ऑक्सीडेटिव वाली इनका ध्यान रखना है फिर हमने पढ़ा प्लांट्स को क्यों जरूरत नहीं है रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तो अगर नहीं ऑर्गन है तो क्या वो ब्रीद नहीं कर सकते तो उसका भी हमने रीजन पढ़ लिया है तो वी हैव कवर्ड द द फर्स्ट पेज ऑफ एनसीईआरटी है ना अब हम पढ़ते हैं यार अब हम क्या पढ़ेंगे अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द डिफरेंट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स वट आर द डिफरेंट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ठीक है तो क्या होता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जब हमने डेफिनेशन लिखा था बच्चों तो हमने लिखा था कि का ऑक्सीडेशन हो रहा है का ब्रेकडाउन हो रहा है किस परपज के लिए एनर्जी को रिलीज करने के लिए सो द सबस्ट्रेट हाउ डू वी डिफाइन इट सबस्ट्रेट दैट अंडर गो दैट अंडर गो ऑक्सीडेशन और ब्रेक डाउन ऑक्सीडेशन और ब्रेक डाउन टू रिलीज वॉट टू रिलीज एनर्जी और इसीलिए जो भी सबस्ट्रेट ऑक्सीडेशन में जाए रेस्पिरेशन में जाए उस सबस्ट्रेट को हम क्या बोलते हैं बच्चों उस सबस्ट्रेट को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट तो सवाल ये है कि किस किस चीज़ को हम खा करके कौन कौन सा सबस्ट्रेट हमारे सेल के अंदर जा करके ऑक्सीडाइज हो करके हमें एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है सो हाउ मेनी सबस्ट्रेट्स आर देयर थ्री सबस्ट्रेट नंबर वन वी कैन यूज कार्बोहाइड्रेट फॉर दैट पर्पस और वॉट वी कैन यूज फैट्स और प्रोटीन्स तो तीन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हैं बच्चों जो ऑक्सीडाइज होकर के हमें एनर्जी दे सकते हैं अब आप हो बहुत दूर सामने होते तो शायद मैं आपसे एक सवाल करती सवाल ये करती कि भैया आपके पास तीन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है तीनों में से सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास है कुछ सेकेंड दे रही हूँ सोचो सोचो फिर मैं जवाब देती हूँ कुछ सेकेंड में सोच लिया होगा अभी तक तो बहुत सारे बच्चों का जवाब आया होगा कार्बोहाइड्रेट है ना मैक्सिमम बच्चों का यही जवाब आया होगा कि सबसे ज्यादा एनर्जी कार्बोहाइड्रेट के पास होती है नहीं बच्चों थोड़ा सा, अगर जिनका सही आया है, वो थोड़ा अपने सबाशी देंगे, आप ये सोच रहे होंगे मैम कि अगर मैक्सिमम एनर्जी फैट के पास ही होती है तो हम बार बार ग्लूकोज हम चीनी क्यों खाते रहते हैं फैट्स को ही खा लेना चाहिए बिल्कुल सही सोच रहे हो देखो फैट्स के पास एनर्जी सबसे ज्यादा बट उसको टूटने में बहुत टाइम लगता है उसका जो डीकम्पोजिशन है, है, है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स चीजों को थोड़ी तोड़ेंगे यार जो सिंपल होगा उस पर जाएंगे तो अगर सेल के पास कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों है सेल को पता है कि फैट के पास सबसे ज्यादा मैक्सिमम एनर्जी है बट ये इसको प्रिफर नहीं करता है वो किसको प्रिफर करता है वो कार्बोहाइड्रेट को प्रेफर करता है तो अगर आपसे सवाल आए कि प्रेफर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है तो प्रेफर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी कार्बोहाइड्रेट है ठीक है सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है बच्चों कार्बोहाइड्रेट है और क्या हम इसको बोल सकते हैं ये इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फटाक से टूट करके तुम्हें एनर्जी प्रोवाइड कर देगा टाइम नहीं लगाएगा कॉम्प्लेक्स नहीं है ये इसीलिए तो यार याद करो स्कूल में जब हम असेंबली में खड़े होते थे बहुत सारे लोगों को चक्कर आ जाते थे है ना प्रेयर चल रही है नेशनल एंथम हो रहा है पता चला दो तीन लोग वहां पर लुढ़क गए आई गेस सबके साथ ऐसा होता होगा सबने नोटिस किया होगा तो जब कोई बेहोश होता है यार अपने घर में अगर कोई बेहोश हो जाए तो तुम उसको बटर ऑयल घी थोड़ी पिलाने चले जाते हो कि भैया फैट खा लो क्योंकि उसमें मैक्सिमम एनर्जी होता है नहीं हम क्या खिलाते हैं या तो चीनी घोल के खिला देते हैं

चीज है सबस्ट्रेट है जिसको इस्तेमाल ही नहीं करता क्यों क्योंकि प्रोटीन का डिग्रेडेशन अच्छा ही नहीं होता क्योंकि प्रोटीन हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स ब्लॉक्स होते हैं हैं यार प्रोटीन हमारे बिल्डिंग बनाए हुए अगर यही टूट टूट के बाहर आने लगेंगे तो हमारा तो बिल्डिंग ब्लॉक खराब है तो प्रोटीन को रेयरली लीस्ट इस्तेमाल करते हैं जनरली किनको इस्तेमाल किया जाता है इनको या इनको इन दोनों में से भी किसको कार्बोहाइड्रेट को ठीक है बच्चों तो ये मतलब हो गया हमारे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का और एक चीज आपको बता दूं और एक चीज सुन लो जो हमारा इस चैप्टर में सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ाया है बच्चों दैट इज रिस्पेक्ट टू कार्बोहाइड्रेट उन्होंने सिर्फ ग्लूकोस का ही पढ़ाया हुआ है तो हमें अपने सिलेबस में ग्लूकोस का पढ़ना है कि ग्लूकोस कैसे हमारे सेल के अंदर जाकर के हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है कैसे उसको इस्तेमाल करते हैं हम सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए बाकी सारी कहानी हमारे सिलेबस में नहीं है डिटेल में ठीक है तो अब चलते हैं बच्चों ठीक है ये देख लिया अब हम चलते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन तो डिफरेंट ऑफ रेस्पिरेशन की बात करें यार, तो दो हैं सबसे पहला जो सबस्ट्रेट तो को यूज करेंगे उस हिसाब का रेस्पिरेशन होगा जैसे एक है फ्लोटिंग रेस्पिरेशन और एक है प्रोटोप्लास्मिक रेस्पिरेशन फ्लोटिंग रेस्पिरेशन तब बोला जाता है बच्चों जब किसको इस्तेमाल करें वेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन हो फैट हो एंड कार्बोहाइड्रेट हो जब फैट या कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करता है हमारा सेल रेस्पिरेशन के लिए ऐसे रेस्पिरेशन को फ्लोटिंग रेस्पिरेशन बोलते हैं क्यों क्योंकि फैट और कार्बोहाइड्रेट ना बच्चों

ऑल्दो बच्चों हमें ये तो पता है कि प्रोटीन रेयरली इस्तेमाल होते हैं बट अगर हो गए इन केस तो दैट रेस्पिरेशन विल बी कॉल्ड एज़ प्रोटोप्लाज्मिक व्हाई बिकॉज़ जो प्रोटीन्स है दे आर दी कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म दे आर दी कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म इसीलिए हम ऐसे रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन ठीक है ये तो हमारा पहला बेसिस था कि किस हिसाब का रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज हुआ है जो दूसरा बेसिस हम पढ़ेंगे बच्चों दैट इज कि ऑक्सीजन है है या नहीं है। हमने तो ये पढ़ा था भैया कि ऑक्सीजन जाएगा उस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में खाने का ब्रेकडाउन होता है सो दैट इज सेट टू बी ऑक्सीडेशन ऑफ फूड बट कभी कभार ऐसा भी होता है बच्चों कि सेल में ऑक्सीजन नहीं है बट फिर भी रेस्पिरेशन हो रही है ऐसे रेस्पिरेशन जहां पर ऑक्सीजन नहीं है फिर भी रेस्पिरेशन हो रही है एनरॉबिक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रही है एरोबिक है ठीक है तो चलो डिफरेंस लिख लेते हैं ये एक एक डिफरेंस तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे बच्चों कि यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है और यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है ठीक है इंट्रोडक्टरी सेक्शन में हमने पढ़ा था यार कि ऑक्सीजन जब हम लेते हैं सांस के थ्रू ब्रीथ करते हैं तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में खाना टूट रहा है और यही अच्छा है यार कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही खाना टूटे क्योंकि तब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है

पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड क्या लिखेंगे और क्योंकि एनर्जी इसमें ज्यादा मिलती है हम बोलते हैं ये प्रोसेस की जो एफिशेंसी है वो भी ज्यादा है जाहिर सी बात है ना खाना ज्यादा टूटेगा एनर्जी ज्यादा मिलेगी यहाँ पे तो खाना आधा ही टूट रहा है बच्चो तो एनर्जी भी क्या होगी कम मिलेगी और एनर्जी कम मिलने का मतलब है दैट इस प्रोसेस की एफिशिएंसी क्या है बच्चों इस प्रोसेस की एफिशिएंसी है बहुत कम एज कंपेयर टू एरोबिक तो भैया हमारे हिसाब से अच्छा प्रोसेस कौन है अच्छा प्रोसेस एरोबिक है सोच के देखो ना सोचो जिसमें ऑक्सीजन है वही तो अच्छा है क्यों क्योंकि उसमें हमें एनर्जी ज्यादा मिल रही है बच्चों हम हमें एनर्जी ज्यादा ही चाहिए हम कम एनर्जी लेके क्या करेंगे है है ना तो 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 ये बच्चों दोनों हमने कवर कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन का सबसे पहला मान लो यार तुमने खाया तो को तोड़ना पड़ेगा तो उस के तोड़ने वाला प्रोसेसोलिस तो व्हिच इज वेरी वेरी फर्स्ट स्टेप चाहे ये वाला रेस्पिरेशन हो चाहे ये वाला रेस्पिरेशन हो ठीक है तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों ग्लाइकोलिसिस बट ग्लाइकोलिस शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज बताना चाहती हूँ बिकॉज़ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि उसका एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा जिक्र नहीं है उन्होंने सिर्फ रिएक्शंस एरो के ऊपर दिखा दिया है तो आओ कुछ कांसेप्ट पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कांसेप्ट बनाते हैं ठीक है बिफोर स्टार्टिंग द ग्लाइकोलाइसिस क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस जब हम पढ़ेंगे ना यार तो इन सारे वर्ड का हमें वहां पर इस्तेमाल करना पड़ेगा तो आपको समझ में भी तो आना चाहिए है ना तो सबसे पहले ये जितने भी चीजें ब्लैक बोर्ड पर हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स दीज ऑल आर को इनजाइम्स ये वही कोई तुमने जो बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ रखी है है ना तो सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज एनएडी एनएडी क्या होता है बच्चों निको एक सेकेंड निकोटिनामाइड निकोटिनामाइड ठीक है डाय न्यूक्लियोटाइड क्या होता है बच्चों? डाय न्यूक्लियो एक सेकेंड डाय न्यूक्लियो टाइड एन ए डी एच क्या होता है देखो अब आप सोच रहे ये दोनों तो सेम है एन एडीज निकोटिना न्यूक्लियोटाइड बिल्कुल सही बात है एनएडीएच एच आ गया है ठीक है एच लगने का मतलब है दिमाग में बैठा लो बच्चों ये कॉन्सेप्ट को चमक में आना ये कॉन्सेप्ट आपको चमक जाना चाहिए ब्रेन में है ना स जाना चाहिए बिल्कुल तो जब जब आपको किसी प्रोडक्ट में एच इनकॉर्पोरेटेड होगा दैट ये रिड्यूस्ड फॉर्म है किसका रिड्यूस्ड फॉर्म है लिखती हूं मैं ये किसका रिड्यूस्ड फॉर्म है इट इज द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ किसका का का किसका दैट मीनस जब निकोटिनामाइड डाय न्यूक्लियोटाइड का क्या हो जाए बच्चों कौन सा पेन उठाऊं हाँ इसका क्या हो जाए बच्चों रिडक्शन जब एनएडी का रिडक्शन हो जाता है तो तुम्हें क्या मिलता है एनएडीएच क्लियर है मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ एनएडी इज निकोटिना माइड डाई विच इज वन ऑफ दी को अब जब ये वाला को रिडक्शन में जाता है तब बनता है एनएडीएच स ये रिड्यूस्ड फॉर्म है एनएडी का या तुम कह सकते हो दिस इज रिड्यूस्ड को एंजाइम दिस इज रिड्यूस्ड को एंजाइम क्योंकि ये को रिडक्शन से बना है दूसरा है एनएडीपी एन एडीपी में क्या डिफरेंस है देखो एनएडीपी को हम कैसे लिखते हैं निकोटिनाइड निकोटिनामाइड डाई न्यूक्लियोटाइड ये तो बिल्कुल सेम हो गया उसी के जैसा बट आगे पी वर्ड है हाँ, किसके लिए है फॉस्फेट के लिए तो ये एक तरीके का को होता है बच्चों यहां पर देखो फिर एच आ गया सेम, -सेम है बट यहाँ पर एच आ गया और अभी हमने क्या पढ़ा था एच आने का मतलब है इसका क्या हुआ होगा रिडक्शन तो जब एन ए डी पी रिड्यूस होता है बच्चों क्या होता है जब ये रिड्यूस होता है रिडक्शन में जाता है तब क्या बनता है एन ए डी पी एच ठीक है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों हम इसको लिख सकते हैं दैट ये एन ए डी पी एच जो है दैट इज द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ एन ए डी पी ध्यान से सुन लो सबका इस्तेमाल होने वाला है ठीक है उसके बाद एफ है एफ क्या होता है एफ हेयर स्टैंड फॉर फ्लेविन एडिनाइन डाय न्यूक्लियोटाइड ये एक तरीके का है यहां पर एच टू आ गया एड हो गया एच दैट मीन इसका क्या हुआ होगा बच्चों इसका हुआ होगा रिडक्शन वही कॉन्सेप्ट है वही कॉन्सेप्ट है एफ तो एडी जब रिडक्शन में जाता है तो बच्चों क्या बनता है एफ तो हम यहाँ पर ये लिख लेते हैं कि दो एफ जो है दैट इज द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ वॉट एफ ए डी ठीक है इसके अलावा बच्चों एक होता है एफ एम एन एफ एम एन क्या है का अगर मैं पूरा नाम लिखूं तो दैट इज फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड व्हाट इट इज फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड और जब इस एफ एम एन का क्या हो जाए बच्चों रिडक्शन क्या हो जाए बच्चों रिडक्शन तो क्या बन जाता है एफ एम एन एच टू क्या बन जाता है बच्चों एफ एम एन एच टू क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर यह आपको दिखाई दे रहा है तो वॉट वी कैन राइट दैट एफ एम एन एच टू इज द रिड्यूसम अब जब आप पढ़ोगे ना आगे तो ये सारे वर्ड आएंगे और आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी यार क्यों हम एक जगह एफ एडी लिख रहे हैं क्यों हम एक जगह एफ एडी एच टू लिख रहे हैं ठीक है दोनों सेम है एक ऑक्सीडाइज वर्जन है एक उसका रिड्यूस्ड वर्जन है ठीक है Clear हो गया? ठीक है तो क्या हम ये कह सकते हैं अगर मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट अभी हमने पढ़ा डी और क्या पढ़ा डी और क्या पढ़ा बच्चों? और क्या पढ़ा है देख लो देखो सिर्फ ऑक्सीडाइज वर्जन देखना है हमें हमने एन ए डी पढ़ा हमने एन ए डी पी पढ़ा हमने एफ ए डी पढ़ा फटाफट फटाक लिख लेते हैं एफ ए डी पढ़ा एन पढ़ा एफ पढ़ा एन पढ़ा है, है ना जब इनका क्या हो ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूं जब इनका क्या हो रिडक्शन हो जब इनका क्या हो बच्चों? रिडक्शन हो तो एफ ए डी किसमें कन्वर्ट हो जाता है एफ ए डी कन्वर्ट हो जाता है एफ ए डी एच टू में एन ए डी किसमें कन्वर्ट हो जाता है एन ए डी एच में fmn किसमें कन्वर्ट हो जाता है fmn h2 में और nadp किसमें कन्वर्ट हो जाता है nadph में नॉर्मल सी चीज है ये सारे कोएंजाइम्स हैं और रिड्यूस होने के बाद ये रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ कोएंजाइम्स बनता है या तुम इसका रिवर्सल कर दो रोल को रिवर्स कर दो दैट मींस एक और, एरो और बनाते हैं जब ये बन जाएं ठीक है तो जब कहीं पे भी इस प्रोसेस में पूरे रेस्पिरेशन में इससे ये बनता हुआ दिखाई दे तो समझ जाना वहां पर क्या हो रहा है बच्चों समझ जाना वहां पर क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन ठीक है इस चैप्टर में थोड़ा सा केमिस्ट्री आएगा बच्चों बट उतनी केमिस्ट्री आपको आती होगी ठीक है उतनी केमिस्ट्री आपको आती होगी क्योंकि हमें इसमें पढ़ना क्या है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ये दोनों वर्ड आपको बहुत जगह सुनने को मिलेंगे तो यहाँ पे भी हमने देख लिया इनसे ये बने तो रिडक्शन इनसे ये बने तो ऑक्सीडेशन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है तो यहाँ पर यार हमें जो वर्ड बहुत ज्यादा सुनने को मिल रहा है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन है क्या तो जाहिर सी बात है उसको भी थोड़ा लिख लेते हैं क्योंकि वो भी एक बेसिक है ऑक्सीडेशन का मतलब यार हमने नाइन टेन से पढ़ना शुरू कर दिया था या हो सकता है उससे भी पहले पढ़ना शुरू कर दिया हो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है और रिडक्शन का मतलब क्या हो गया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है क्या होता है ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना जो भी लॉस और गेन होता है इस चैप्टर में आप पढ़ोगे जो भी लॉस और गेन होता है इलेक्ट्रॉन का एच के फॉर्म में किसके फॉर्म में हाइड्रोजन के फॉर्म में और बच्चों केमिस्ट्री में आपको पता है कि जो एक हाइड्रोजन होता है उसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन और एच प्लस दैट मीन्स ध्यान से सुनना दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जब एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो हाइड्रोजन भी निकल रहा है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ तो हाइड्रोजन का भी गेन है गेटिंग माई पॉइंट तो एनसीआरटी हमारी एक और कॉन्सेप्ट लिखती है रिडॉक्स इक्विवेलेंस ये है क्या जो भी इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन हो रहा है वो किस रिस्पेक्ट में हो रहा है हाइड्रोजन के फॉर्म में और इसी हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं कि हाइड्रोजन किससे बना हुआ है एक इलेक्ट्रॉन से और एक H+ प्लस से और इसी हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं बच्चों रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट या हम इसको क्या बोलते हैं रिडॉक्स इक्विवेलेंट ये याद रखना ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है ये क्या है ये कंसेप्ट इम्पोर्टेंट है कि जो भी का तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट थे जो हमने देख लिए बिफोर स्टार्टिंग दी ग्लाइकोलिसिस अब आ जाते हैं बच्चों ग्लाइकोलिसिस पर ठीक है उन कंसेप्ट को याद रखना वैसे मैं दोबारा रिवाइज करा दूंगी बट फिर भी याद रखना ग्लाइकोलाइसिस so, क्या होता है बच्चों ग्लाइकोलिस को अगर तुम ध्यान से देखोगे ना बच्चों तो इसमें आएंगे दो दो वर्ड कौन से है एक है ग्लाइको और एक है लाइसिस ग्लाइको का मतलब यहां किससे है ग्लूको से और लाइसिस का मतलब यहां पर किससे है बच्चों ब्रेक डाउन से या तुम कह सकते हो स्प्लिटिंग से दैट मींस हम क्या लिख सकते हैं ग्लाइकोलिसिस इज वॉट दिस इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अच्छा दूसरा सवाल है क्या है इस ग्लाइकोलिसिस में पूरा का पूरा ग्लूकोज एक ही बार में टूट जाता है क्या इस प्रोसेस में पूरा का पूरा ग्लूकोज एक ही बार में टूट जाता है नहीं देखो हमें पता है कि अगर ग्लूकोज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होगा अगर ग्लूकोज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होगा तो इट विल फॉर्म सिक्स टू प्लस सिक्स टू ओ इक्वेशन देखो ना यार हमने इक्वेशन भी पढ़ी हुई है ये देखो अगर एक ग्लूकोज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है तो छीओ टू और छह वाटर निकलने चाहिए यही पढ़ा हमने बट ग्लूको ग्लाइकोलिसिस में जब ग्लूकोज जाता है तो क्या होता है सुनना जब एक ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस में जाता है सुनना बच्चों तो उसका पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है क्या होता है पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है किसको बनाने के लिए टू फॉर्म टू मॉलिक्यूल ऑफ टू फॉर्म टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड क्या बनाने के लिए टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनाने के लिए अब ध्यान से सुनना हम यहां पर क्यों बोल रहे हैं कि ये ग्लूकोज कंप्लीटली टूट रहा है ग्लूकोज का फॉर्मूला पता होगा बच्चों सी सिक्स एस ट्वेल्व ओ सिक्स है ना तो इसके पास जब ये टूट गया तो क्या बना लेता है ये बना लेता है बच्चों सिक्स एच टू ओ और क्या बना लेता है छ CO2 टू तो यहाँ पर देखो यार इसके पास कितने कार्बन है छह कार्बन इसके पास भी कितने कार्बन है छह कार्बन ग्लूकोज जब कंप्लीटली टूटेगा तो वो छह कार्बन देकर के निकलेगा यहाँ पर अगर ग्लूकोज टूट गया और हमें कार्बन मिल गए दैट मीन्स ग्लूकोज कंप्लीटली टूट चुका है बट यहां पर क्या हो रहा है

जो ग्लाइकोलाइसिस में हो रहा है दैट इज टर्म एज पार्शियल दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात है बच्चों वो ये है कि इसमें चाहे तुम्हारा रेस्पिरेशन एरोबिक हो हो चाहे ग्लूकोस को तोड़ने का जो एकमात्र ऑप्शन बचता है उनके पास वो ग्लाइकोलाइसिस है इसीलिए हम ग्लाइकोलिसिस को क्या बोलते हैं इट इज कॉमन रेस्पिरेटरी पाथवे क्यों बोला जा रहा है बिकॉज इट इज कॉमन टू बोथ चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनरोबिक रेस्पिरेशन हो ये तो चलेगा ही चलेगा फिर सवाल उठता है कि ये चलती कहाँ पर है ये चलती है बच्चों सेल के साइटोप्लाज्म में या कभी कभार आपको ऑप्शन में साइटोप्लाज्म नहीं मिलता तो क्या मार्क करोगे साइटोसोल आप दोनों में से किसी को भी मार्क कर सकते हो ठीक है दोनों का डिफरेंस हमने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है ठीक है इनको जो बताने वाले साइंटिस्ट थे वो कौन थे बाय एमडेन एमडेन मेयर एंडस सबका इनिशियल देखो इसका इनिशियल ई e है इसका एम है इसका पी है इसीलिए इस पाथवे को और क्या बोलते हैं बच्चों इस पाथवे को हम ई एम पी पाथवे बोलते हैं तो अगर आपसे कभी ग्लाइकोलिस

तो यही चलती है सिर्फ और कुछ नहीं चलता ठीक है तो ये भी एनसीआर में लिख लो ओनली स्टेप रेस्पिरेशन क्योंकि जब एन एरोबिक चलती है तो फिर आगे के जो प्रोसेस है लिंक क्रेब ईटीएस ये सब कुछ नहीं चलता ठीक है सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस ही चलती है ठीक है उसके बाद यार ठीक है अब हम बात करते हैं यार ग्लूकोज हम खा लेंगे ठीक है हम हम एनिमल्स हैं बाहर से कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज शुगर खा लेते हैं और वो ग्लूकोज फटाक से किस में चला जाता है? में चला चला जाता जाता है है नो इशू प्लांट्स की हम बात क्या करें प्लांट्स में क्या चलता है बच्चों फोटोसेंथिस चलता है तो फोटोसेंथिस जब वो करते हैं तो वो खाना किस फॉर्म में बनाते हैं ग्लूकोज के फॉर्म में बनाते हैं बट एंड प्रोडक्ट उसका क्या होता है सुक्रोज होता है क्योंकि ग्लूकोज बहुत सिंपल शुगर होता है ना तो दैट हैज टू बी कन्वर्टेड इन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स शुगर तो वी कैन राइट ऐसे कि व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट किसका एंड प्रोडक्ट बच्चों एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस एनसीईआरटी की लाइन है ये सारी सो एंड प्रोडक्ट जो होता है फोटोसिंथेसिस का दैट इज सुक्रोज दैट इज व्हाट दैट इज सुक्रोज ठीक है सुक्रोज हमारा आपको पता है लिखने की जरूरत नहीं है वैसे तो सुक्रोज हमारा इनवर्ट शुगर होता है कॉम्प्लेक्स शुगर है ये टूटेगा तो तोड़ने वाली इंजाइम का नाम क्या है इनवर्टेज क्या नाम है बच्चों और सुक्रोज टूट जाता है दो सिंपल शुगर में दैट इज ग्लूकोज फ्रक्टोज अब तुम्हारा ग्लूकोज एंट्री मार जाता है ग्लाइकोलिसिस में और फ्रक्टोज भी एंटर मार सक एंट्री मार सकता है किसमें ग्लाइकोलिसिस में तो सिंपल सी बात हमने यहाँ पर क्या सीखी यहाँ पर हमने ये सीखी जो फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में चलती है उसका एंड प्रोडक्ट होता है सुक्रोज सुक्रोज को जब जब एनर्जी लेनी होगी तो सुक्रोज को इन्वर्टेज की हेल्प से तोड़ा जाएगा किसमें किसमें ग्लूकोज में तोड़ा जाएगा और फ्रक्टोज में तोड़ा जाएगा फिर ये दोनों ही किस में एंटर मार सकते हैं हमारे किस प्रोसेस में में ठीक है या या फिर या फिर जो प्लांट्स होते हैं एक सेकेंड जो प्लांट्स होते हैं बच्चों वो अपने खाने को स्टोर करके रख सकते हैं स्टोरेज फॉर्म ऑफ़ क्या होता है कार्बोहाइड्रेट का स्टार्च ठीक है है तो स्टार्च स्टार्च का भी भी इस्तेमाल इस्तेमाल हो सकता है। बच्चों स्टार्च को भी कर सकते हैं ठीक है वो टूटेगा ग्लूकोज बनाएगा ठीक है इसका ब्रेक डाउन होगा ये ग्लूकोज बनाएगा और फिर ये ग्लूकोज कहाँ चल जाएगा इट विल एंटर इन टू ग्लाइकोलिस ठीक है तो इस तरीके से चाहे तुम सुक्रोज का इस्तेमाल कर लो चाहे स्टार्च का इस्तेमाल कर लो दैट वुड बी जो भी प्रोडक्ट बनता है इधर से बन रहा है, इधर से से ग्लूकोज ग्लूकोज बन बन रहा रहा है है फ्रक्टोज दोनों चले चले जाएंगे जाएंगे तरीके से किस में सकते है हमारे में सिंपल अब मैं आपको थोड़ा सा हूं, है? कि हमारी एनसीआरटी गलत है जैसे सबसे पहली बात एनसीआरटी ने लिखा हुआ है कि जो ग्लूकोज है वो सबसे पहले क्या बनाता है ग्लाइकोलिसिस में एनसीआरटी की बात बता रही हूँ पूरा ग्लाइकोलिसिस अभी नहीं समझा रही हूं। वो बताता है कि ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज सिक्सूकोजेट फिर अपने एक आइसोमर में कन्वर्ट होता है दैट इज फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट ठीक है जी लिख लिया हमने एनसीआरटी ने फ्रक्टोज के लिए क्या लिखा हुआ है कि फ्रक्टोज भी ध्यान से सुनना बच्चों कि फ्रक्टोज भी क्या बनाएगा फ्रक्टोज भी ग्लूकोजेड बनाएगा NCRT ने ध्यान से सुनो क्या लिखा हुआ है दूसरी या तीसरी लाइन में कि और फ्रक्टोज दोनों ग्लूकोज सिक्स फोस्फेट बनाते हैं ठीक है तो थोड़ा सा यहाँ पर एक एनसीआरटी गलत मतलब थोड़ा सा कॉन्ट्रोड्यूट करती है देखो ग्लूकोज बनेगा तो ग्लूकोज सिक्स फोस्फेट बनेगा बट अगर फ्रक्टोज होगा ना तो फ्रक्टोस फॉस्फोराशन के जस्ट बाद क्या बना लेगा फ्रक्टोसिक्सफेट क्या बना लेगा फ्रक्टोट ठीक है बट क्योंकि हमारी एनसीआरटी लिखती है यार देखो मैंने आपको बता दिया है बट मैं आपको एरो वैसे ही दिखा रही हूं बना करके जो हमारी एनसीआरटी लिखती है दैट इज कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज वॉट दे विल फॉर्म दे विल फॉर्म ग्लूकोसिक्स फॉस्फेट ग्लूकोज सिक्स फोस्फेट क्या बना लेगा फ्रक्टोसिक्स फोस्फेट उसके बाद प्रोसेस विल बी सेम चाहे ग्लूकोज जाए चाहे जाए क्लियर है मैं दोबारा से रिपीट कर नहीं हमने अभी क्या देखा है यहाँ पर हमने अभी ये देखा यार कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है किससे बनता है सुक्रोज से बनता है सुक्रोज क्या होता है एंड प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का उन दोनों को

कि ग्लूकोज को हम किसमें एंट्री दे रहे हैं ग्लाइकोलोसिस में जो कि वहां जाके क्या होगा टूटेगा है ना उसका होगा ब्रेकडाउन उसका होगा स्प्लिटिंग तो कितना मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज लिया एक कितने कार्बन होते हैं इसके पास छह कार्बन होते हैं

ठीक है तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज टूट जाता है पार्शली ऑक्सीडाइज हो जाता है टू फॉर्म टू मॉलिक्यूल ऑफ एसिड क्लियर है और ये पूरा का पूरा जो स्टेप होता है का ये एक स्टेप प्रोसेस नहीं है इसमें भी मल्टीपल स्टेप्स लगते हैं कितना कितने चेन रिएक्शन स्टेप होता है टेन चेन रिएक्शन होती हैं ग्लाइकोलिसिस को टूटने के लिए कितने चेन रिएक्शन है दस स्टेप्स हैं बच्चों ठीक है और एक कंप्लीट किसमें होता है दो फेजेस में होता है कौन कौन से एक फेज को हम बोलते हैं एनर्जी कंज्यूमिंग फेस एनर्जी कंज्यूमिंग या एक्टिवेशन फेज या एक्टिवेशन फेज और एक फेज को हम बोलते हैं बच्चों एनर्जी प्रोड्यूसिंग फेज एनर्जी प्रोड्यूसिंग फेज या हम उसको बोलते हैं पे ऑफ फेज यार जैसे एक चीज सुनना एक एग्जांपल सुनना जैसे यार हमें कोई बिजनेस स्टार्ट करना है बहुत छोटा सा तो यार पहले तो उसमें लागत लगती है ना पहले तो उसमें इन्वेस्टमेंट लगती है इज इट मान लो जो भी इन्वेस्टमेंट लगे ऐसा तो है नहीं कि बिना इन्वेस्टमेंट के तुम्हें प्रॉफिट आना लगे नहीं होगा पहले तो पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं ना चाहे तुम्हें एक दुकान लेनी है दुकान खरीदोगे उसको सेटअप करोगे माल डालोगे उसमें लग गए उसके थोड़े टाइम बाद क्या होता है प्रॉफिट आने लगता है है ना सिमिलरली को तोड़ने के लिए पहले एनर्जी कंज्यूम होती है उस फेज को हम बोलते हैं एनर्जी कंज्यूमिंग फेज उसके बाद उसका फल मिलता है दूसरे फेज में उसको हम बोलते हैं एनर्जी प्रोड्यूसिंग फेज या फल मिल गया तो पे ऑफ फेज तो इसलिए हम बोलते हैं कि पूरी की पूरी ग्लाइकोलिस दो फेजेस में चलती है ठीक है तो ये हो गया बच्चों का ओवरव्यू और से पढ़ते हैं कि है क्या है है क्या क्या ना आ जाओ <coughs> तो सबसे पहले होता बच्चों सबसे पहले क्या होता है, है? यहाँ से लिखना शुरू करते हैं एक ग्लूकोज है कितने मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज है बच्चों बहुत आराम से लिखेंगे एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज है तो सबसे पहला जो स्टेप होता है ग्लूकोज का क्या एक सेकेंड ग्लूकोज़ कन्वर्ट होता है बच्चों ध्यान से सुनते रहना ग्लूकोज़ ग्लूकोज़ में में इसके पास फॉस्फेट था नहीं था इसके पास फॉस्फेट है दैट मींस एडिशन हुई है किसकी एडिशन हुई है फॉस्फेट ग्रुप की और एडिशन जब होती है फॉस्फेट की तो हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन क्या बोलते हैं बच्चों फॉस्फोराइलेशन जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन कार्बोक्सिलेशन है ना सिमिलरली फॉस्फेट का एडिशन फॉस्फोराइलेशन ठीक है और फॉस्फेट यहाँ इसको किसने प्रोवाइड किया होगा इसको फॉस्फेट प्रोवाइड करता है एक एटीपी का मॉलिक्यूल एक एटीपी का मॉलिक्यूल टूट जाता है तो बनता है एडीपी प्लस एक फॉस्फेट और ये फास्फेट फिर कौन कैप्चर कर लेता है ग्लूकोज और ग्लूकोज कैप्चर करने के बाद क्या बना लेता है ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट सिक्स का मतलब क्या है कि जो फास्फेट ऐड हुआ है वो छह कार्बन पर हुआ है ठीक है इसको जो एंजाइम कैटेलाइज करवाता है बच्चों उस एंजाइम का नाम है हेग्जोकाइनेज यही एक एंजाइम है जो हमारी एनसीआरटी लिखती है इसलिए अभी यहां पर लिख दिया है ठीक है जो ध्यान से सुनने वाली बात है बच्चों आप जहां जहां पर की हुए देगी। को रटने की जरूरत नहीं है बच्चों अगर तुम समझ लोगे ना तो तुम्हें ईजी हो जाएगा ठीक है क्या बोला हमने कि जहां जहां पर एटीपी बनेगी या टूटेगी कौन सा एंजाइम होगा काइनेस इसका नाम हैगजोस क्यों लिखा हुआ है क्योंकि जो हमारा ग्लूकोज होता है वो कितने कार्बन शुगर है, है. कार्बन कोई चेंज नहीं हुआ विद रिस्पेक्ट टू कार्बन अगर कार्बन के रिस्पेक्ट में कोई चेंज नहीं हो रहा दैट मींस इस वाले स्टेप में कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल डीकार्बोक्सिलेशन नहीं हुआ है दूसरी चीज यहां पर मैंने एक ही एरो दिखाया है ऊपर जाते हुए एरो नहीं दिखाया, that means ये स्टेप है, नहीं दिखाया, ये है। बताती बच्चों ये सब बड़े है। कौन सा स्टेप इन स्टेप ठीक है अब हमारे पास क्या बन गया बच्चों ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो जाता है अपने एक आइसोमर में उस आइसोमर का नाम है फ्रक्टोज फॉस्फेट क्या नाम है बच्चों बच्चो फ्रक्टोट ये भी छह कार्बन है दैट अगेन स्टेप पे कोई कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल नहीं हुआ है इज नो ठीक है है एंजाइम अभी बताएंगे पहले समझ लो स्टेप उसके बाद क्या होता बच्चों फ्रक्टोसिक्स फॉस्फेट मतलब इसके पास अभी एक ही फॉस्फेट ग्रुप है है ना यार इसको अच्छा नहीं लग रहा लालच लालच है इसको एक और फॉस्फेट चाहिए इसको तो इसको एक और फॉस्फेट चाहिए क्या बनाने के लिए इसको चाहिए एक और फॉस्फेट बनाने के लिए फ्रक्टोस वन सिक्स बिस क्या बनाने के लिए फ्रक्टोस वन सिक्स बिस ये भी कितने कार्बन का है बच्चों छह कार्बन का है अभी हमने देखा कि अगर फॉस्फेट का ऐड करो तो फॉस्फेट कहीं ना कहीं से तो चाहिए होता है ना यहाँ पर फॉस्फेट किसने प्रोवाइड किया एटीपी ने तो यहाँ पर भी कोई ना कोई फॉस्फेट आएगा देने के लिए ये फॉस्फेट कौन देता है यहाँ पर अगेन कौन देता है बच्चों एटीपी कौन देता है एटीपी तो यहाँ पर फिर से क्या हो रही है ए टूट रही है और क्या बन रहा है ए प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट फिर ये जो फॉस्फेट है ये पकड़ लेगा और पकड़ने के बाद क्या बना लेगा फ्रक्टोज वन सिक्स बिस फॉस्फेट एक फर्स्ट कार्बन पर लगा हुआ है और एक छह कार्बन पर फॉस्फेट लगा हुआ है ठीक है इसको भी कौन कैटलाइज करेगा सोचो यार सोचने वाली बात है एटीपी बन गई तो सोचना क्या है किसने कैटलाइज किया होगा काइनेज ने बट इस काइनेस का नाम क्या होगा इस काइनेस का नाम क्या होगा फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट के बाद बनाए ना तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं सबस्ट्रेट के नाम से फॉस्फो फ्रक्टो काइनेस तो देखो कुछ नहीं किया हमने काइनेस तो लगेगा ही ये तो निश्चित है क्योंकि एटीपी टूट रही है और उसके आगे हम किसका नाम जोड़ दे रहे हैं हम उसके आगे सबस्ट्रेट का नाम जोड़ दे रहे हैं जैसे यहाँ पर

अब क्या करता है ये ये तोड़ देगा छह कार्बन अब तुम्हें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो छह कार्बन का नहीं मिलेगा अब क्या होता है ध्यान से सुनना बच्चों ये छह कार्बन वाला जो कंपाउंड है ये टूट जाता है स्प्लिट कर जाता है दो प्रोडक्ट में किस प्रोडक्ट में दो प्रोडक्ट में एक का नाम है डीएचएपी डीएचएपी का फुल फॉर्म क्या होता है लिख देती हूं डाई हाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट ड्राई हाइड्रोक्सी एसिटोन ठीक है और जो यहां पर प्रोडक्ट बनता है दैट इज थ्री पी जी ए एल ठीक है अगर यहीं पर सबका फुल फॉर्म लिखूंगी तो पूरा ब्लैक बोर्ड भर जाएगा तो इसलिए यहां पर लिखती हूँ थ्री पीजीएल का फुल फॉर्म है फॉस्फो ग्लिसरल डिहाइड फॉस्फो या हम इसको बोलते हैं ग्लिसरल डिहाइड ग्लिसरल थ्री कुछ भी बोल सकते हो आप ठीक है तो उसकी स्प्लिटिंग से क्या बना यार उसकी स्प्लिटिंग से बना डीएचएपी ये भी तीन कार्बन कंपाउंड है ये भी

अब अगर मैं इसकी बात बताऊं किसकी बात बताऊं थ्री पीजीएल की तो थ्री पीजीएल -E के साथ क्या होगा चलो देखते हैं थ्री पीजीएल -E के साथ क्या होता है बच्चों ये चला जाता है किस में ये चला जाता है ऑक्सीडेशन में क्या किस में ध्यान से एक ये बात लिखी हुई है एनसीईआरटी में ध्यान से सुनते रहना इसका क्या हुआ ऑक्सीडेशन पहली बात तो ऑक्सीडेशन के बाद ये बनाता है एसिड उस एसिड का नाम क्या है उस एसिड का नाम है वन थ्री वन थ्री बिस फॉस्फो गिक एसिड क्या बना रहा है बच्चों शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूं बी पी जी ए बीपीजीए का फुल फॉर्म क्या है ध्यान से सुनते रहो बिसरिक एसिड ग्लिसरिक एसिड तो ग्लिसरिक एसिड किससे बना ग्लिसरिक एसिड ग्लिसरल्डिहाइड से बना किसके बाद ऑक्सीडेशन के बाद पहली बात जो नोट हमने की जो एनसीईआरटी की लाइन है दैट मींस इस स्टेप पे क्या हुआ है ऑक्सीडेशन ध्यान से सुनना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है इस स्टेप पे क्या हुआ है ऑक्सीडेशन हमने पढ़ा था कि जब ऑक्सीडेशन होती है तो इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है लॉस होता है तो जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा उसको कोई कैप्चर भी तो करेगा करेगा ना तो कौन यहां पर कैप्चर करता है अब आ जाएंगे हमारे वो सारे ठीक है कौन कैप्चर करता है इसको कैप्चर करता है एन प्लस कौन कैप्चर करता है एनएडी प्लस एनएडी क्या है हमारा एक को डी प्लस उस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके किस फॉर्म में आ जाता है एन ए डी एच प्लस एच प्लस में और अभी हमने पढ़ा था बच्चों एनएडी जब क्या होता है इट रिड्यूस होता है मतलब ये इट क्या हो रहा है रिडक्शन में जा रहा है यार पढ़ते हो है ना जब कोई चीज ऑक्सीडाइज होती है केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तो जो कराता है उसको कुछ कोई एजेंट बोलते हैं पढ़ा है ना कि दो चीजें साइमल्टेनियसली होती हैं केमिस्ट्री है यार ये तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा है कि एलडी का जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो क्या बन रहा है बिस्फोग्लिस एसिड बन रहा है ऑक्सीडेशन हुआ तो इलेक्ट्रॉन निकला होगा

That means, addition हुई यहां पर? यहां पर एडिशन हुई होगी फॉस्फेट की क्या एड हुआ पर एक है और तब जाकर के यहाँ पर प्रोडक्ट में तुम्हे एक और फॉस्फेट दिखाई दे रहा है इसलिए हम उसको बोल रहे हैं बिस् फॉस्फो गिक एसिड तो इस पूरे में बड़ी सारी चीजें हुई है याद रखना है ऑक्सीडेशन हुआ

अब आगे जाएगा तो क्या होगा बच्चों ये बनाता है थ्री पीजी दैट मीनस ये अपना एक फॉस्फेट हटा देता है फॉस्फेट हटेगा तो कोई उसको कैप्चर भी करेगा कौन कैप्चर करेगा ध्यान से देखना कौन कैप्चर करेगा बच्चों यहाँ पर अब जो कैप्चर करेगा वो है एडीपी वो उस फॉस्फेट को उठा लेगा उठाने के बाद क्या बना लेगा ए टी पी बना लेगा क्या बना लेगा ए टी पी तो यहां पर भी क्या बना एटीपी तो यहां पर भी जो एंजाइम आएगी वो आएगी काइनेस ठीक है कौन सी आएगी काइनेस अभी यहां पर नहीं लिख रही हूं तो सब कुछ लिखा हुआ है ठीक है उसके बाद क्या होगा बच्चों ये कितने कार्बन थे तीन कार्बन बीच में कोई डिकार्बोक्सीन तो हुई नहीं तो ये भी तीन कार्बन तीन कार्बन के बाद यहां पर भी कोई डिकार्बोक्सिलेशन नहीं हुई है तो ये भी क्या है तीन कार्बन है ठीक है अब क्या होता है बच्चों ये थ्री पीजीए अपने जो फॉस्फेट ग्रुप थ्री पर है उसको भगा देता है वो बोर हो चुका है उससे अब उसको दूसरे कार्बन के पास शिफ्ट कर देगा किस कार्बन के पास सेकेंड कार्बन के पास तो है और कुछ भी नहीं हुआ है ठीक है इसके बाद क्या होता है बच्चों टू फॉस्फो गि एसिड के बाद बनता है हमारा फॉस्फो इनॉल पाइरोट मैं यहां पर फॉर्म लिख देती हूँ फुल फॉर्म ठीक है बिस्फोस्फोग्लिसरेिक एसिड के बाद क्या बना बच्चों पीजीए पीजीए का मतलब फॉस्फोग्लिसरेिक एसिड जिसे तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना रहे क्या बना फॉस्फोग्लिसरेिक एसिड उसके बाद क्या बनता है बच्चों अभी हमने लिखा पेप पेप का मतलब क्या है फॉस्फो इनोल पाइरोवेट क्या बनता है फॉस्फोइनोल पाइरोवेट ये भी लिख लो ठीक है 1 सेकंड पेप बना बच्चों पेप के बाद क्या बना पाइरोविक पाइरोविक एसिड पाइरोविक एसिड ये भी तीन कार्बन है ये भी तीन कार्बन है ये भी तीन कार्बन है दैट मींस पाइरोविक एसिड जब तक बना है आप देखो कोई भी CO2 नहीं निकला है कोई भी डिकार्बोक्सलेशन नहीं हुई है इसीलिए हम बोलते हैं ग्लूकोस कंप्लीटली नहीं टूटता इन ग्लाइकोलाइसिस ठीक है उसके बाद हमने देखा यहां पर एटीपी बनी थी फिर जब पेप तक बना तो कुछ भी नहीं हुआ ठीक है कुछ भी नहीं हुआ ना CO2 निकला ना एटीपी बनी बट लास्ट स्टेप में जब पाइरोवेक एसिड बन रहा है जब पाइरोवेक एसिड बन रहा है तो इसका फुल फॉर्म क्या है बच्चों ध्यान से सुनो इसका फुल फॉर्म है देखो यहां पर भी फॉस्फेट ग्रुप था

तो एक बात जो हमें समझ में आती है जहां जहां पर एटीपी बन रही है या टूट रही है जो एंजाइम आएगी दैट वुड बीस नेक्स्ट जो आपको समझना है बच्चों कि सारे के सारे सारे सारे, के के हैं, आराम से लिखेंगे सारे के सारे क्या है बच्चों रिवर्सिबल स्टेप है एक्सेप्ट एक्सेप्ट ये वाला पहला और तीसरा और लास्ट ये इिवर्सिबल है जो हमारी एनसीआर नहीं बताती वेरी ठीक है अभी हमने क्या देखा यार कि सिर्फ इस पीजीएल का डीकम्पोजिशन हुआ है तो हमें एक मॉलिक्यूल ऑफ पायरविक एसिड मिला है क्या मिला है एक मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड मिला है इसका क्या होगा डीएचएपी का क्या होगा डीएचएपी का भी तो कुछ होगा डीएचएपी क्या करता है यार डी अपने आइसोमर में कन्वर्ट हो जाता है और उसका आइसोमर कौन है उसका आइसोमर है थ्री पी कौन है थ्री पी जी एल दैट मीन्स हमें एक पी नहीं मिले कितने पी मिल रहे हैं दो पी जी एल दो पी जी एल मिलने का मतलब है कि सारा का सारा प्रोसेस कितनी टाइम्स चलेगा दो बारी चलेगा दो पी बनेगा दो पी बनेगा तो कितनी बार ये बनेगा दो बारी बनेगा ये कितनी बारी बनेगा? दो शुरू से टू इसलिए आया ठीक है तो अभी हमने क्या देखा इस पीजीएल का डीकोजिशन देखा ब्रेकडाउन देखा उसके बाद ये डीजी भाई साहब भी तो थे ये भी किस में कन्वर्ट हो गए पीजीएल में कन्वर्ट हो गए तो तुम्हारे पास कितने टाइम्स ऑफ पीजीएल है दो है ना कितने आदमी थे ऐसे रिलेट करना है तो कितने टाइप्स ऑफ पीजीएल हैं दो दो पीजीएल हैं तो ये कितने कितना बनेगा दो कितने फॉस्फेट को ऐड करना पड़ेगा दो सब कुछ दो दो बारी होगा दो एन प्लस का रिडक्शन होगा दो एन बनेंगे दो एच प्लस निकलेगा ठीक है दो बिस्फोस्लोग्रिसिक एसिड है तो ये दो बारी चलेगा रिएक्शन तो दो एटीपी बनेगा ये भी कितना बनेगा दो ये भी कितना बनेगा सब कुछ दो दो बार होगा बच्चों सब कुछ दो दो बार होगा ठीक है ट्वाइस ठीक है इजी है उसके बाद हमने ये भी देख लिया कि कौन-कौन सा रिएक्शन रिवर्सिबल है कौन-कौन सा रिएक्शन इरिवर्सिबल है अब देखो जो हमने ओवरव्यू पढ़ा था कि एक ग्लूकोस का मॉलिक्यूल एक ही तो है किस में कन्वर्ट हो गया टू पार्विक एसिड में इस पूरे ब्रेकडाउन में आपको कहीं पर भी सीओ रिमूवल नहीं दिखा इसीलिए कंप्लीट नहीं है और एक ही जगह पर एक ही जगह पर आपको बच्चों एस निकलता हुआ दिखाई देगा इस स्टेप पर तो छह एस भी नहीं निकले तो इसलिए भी कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो रही है ठीक है उसके बाद आपको ये याद रखना है कहाँ कहाँ पर एटीपी बन रही है कहाँ-कहाँ पर एटीपी टूट रही है और कहां, कहां पर एन ए डी एच बन रहा है ये स्टेप्स आपने याद रखने हैं बिकॉज इसी से आते हैं क्वेश्चन ओके और क्या सीखने वाली चीज है यार और क्या सीखने वाली चीज है चलो अब मैंने क्या किया है थोड़ा सा इसको और बेटर करने के लिए मैंने एक एक रिएक्शन को एक एक स्लाइड पे लिखा हुआ है थोड़ा और सिंप्लीफाई करके जहां पर हम ये पढ़ेंगे उस रिएक्शंस को बोलते क्या है और जहां पर हम पढ़ेंगे पर्टिकुलर इंजाइम्स का नाम ठीक है वो भी सीखने वाली चीज है आ जाओ तो सबसे पहला जो स्टेप है अपना नोट्स खोल के बैठना

ठीक है हम इसके आगे सबस्ट्रेट का नाम लगा देते हैं किसका आइसोमर बना इसका आइसोमर बना तो फॉस्फो ठीक है ग्लूकोज के लिए वर्ड हम क्या क्या यूज करते हैं हेक्सो हेक्सो तो नाम आ जाएगा आइसोमर रटना नहीं है बच्चों एंजाइम को समझना है उसके बाद फ्रोटोफेट का क्या होता है इसको एक और फॉस्फेट चाहिए होता है कौन देता है एटीपी एडिशन हो रही है फॉस्फेट की तो हम इसको क्या बोलते हैं फॉस्फोराशन और जब जब फॉस्फोराइलेशन हो रहा है कौन सी एंजाइम लग रही है काइनेज उस एंजाइम का, का क्यों? वर्ड क्या लगाया मैंने वर्ड लगाया फॉस्फो और आगे क्या लगाया फ्रक्टो सबस्ट्रेट का नाम लगा दिया एंजाइम के आगे क्या लगा रहे हैं सबस्ट्रेट का नाम लगा रहे हैं कौन सा नाम लगाया हमने फॉस्फो फ्रक्टो का बच्चो ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है

ये इसमें कन्वर्ट हो सकते हैं ये इसमें कन्वर्ट हो सकते हैं क्यों क्योंकि एक दूसरे के आइसोमर्स हैं तो होता क्या है हमने क्या देखा था डीएचए इसमें कन्वर्ट हो जाता है तो ये कितने मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं दो मॉलिक्यूल्स कितने दो मॉलिक्यूल्स इसमें क्या हुआ आइसोमर्स में कन्वर्जन हुआ तो इस स्टेप को क्या बोलते हैं आइसोमराइजेशन और ये कौन सा स्टेप है ये फिफ्थ स्टेप है रिएक्शन का ये जो हुआ है ना ये फिफ्थ स्टेप है है ना आइसोमरेज लगा हुआ है और आगे क्या लगा हुआ है फॉस्फोट्रायोज अच्छा ये कहाँ से आ गया ये फॉस्फोट्रायोज कहाँ से आ गया ना तो इसके नाम में है ना तो इसके नाम में है एक्चुअली हमारी एन ने डीएचएपी को या ग्लिसरल डिहाइड थ्री को ध्यान से सुनना बच्चों डीएचएपी को या ग्लिसरल डिहाइड थ्री को या पी को क्या बोल के रखा है इनको ट्रायोस फॉस्फेट बोल के रखा है क्यों

ऑक्सीडेशन हुआ था तो कोई ना कोई रिड्यूस भी हो रहा होगा तो कौन रिड्यूस हो रहा था कौन रिड्यूस हो रहा था एन ए डी प्लस रिड्यूस होकर बना रहा था एन ए डी एच प्लस एच प्लस ठीक है अगर पीजीएल दो बार बना है तो ये सब कुछ क्या होगा दो दो बार 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 लिखने की जरूरत नहीं बच्चों अब ये जहन में बैठा लो कि एक्चुअली में पीजीएल दो बनता है तो ये सारे चीजें दो दो बार होंगी ठीक है यहाँ पे एक फॉस्फेट था यहाँ पर दो फॉस्फेट है दैट मीनस यहाँ फॉस्फोराइलेशन चली है बट इस फॉस्फोराइलेशन के साथ साथ यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी चली है इसीलिए ऐसी को क्या बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और याद करो बच्चों, थोड़ा फ्लैशबैक में जाओ आज के ही क्लास में हमने ये पढ़ा था कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होती है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन वो होती है जहां-जहां पर एनएडीएच और एफएडीएच2 बनता है क्योंकि जहां-जहां पर एनएडीएच और एफएडीएच है वहां पर एटीपी छुपी हुई है जो अभी हमें दिखाई नहीं दे रही है तो देखो यहां पर भी एनएडीएच बना था इस एनएडीएच के बनने को हमने क्या बोला इस एनएडीएच के बनने को हमने बोला ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन एज यू कैन सी फिर क्या हुआ बच्चों 13बीपीजीए से फास्फेट गया इस फास्फेट को इसने कैप्चर किया एटीपी बना ली एटीपी बनी है तो इंजाइन का नाम क्या हो गया काइनेज क्या नाम हो गया काइनेज अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो मैं आपको सोच रही हूं बता ही दू एक सेकेंड ये देखो अगर अगर एक सेकेंड ए प्रोडक्ट है ठीक है ए से बना बी ठीक है और एक जगह P है P से बना Q। सुनना ध्यान से अगर यहां पर ए टूट रही होगी ध्यान से सुनना बच्चों जैसे तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना हो ठीक है ध्यान से सुनना आपको ये सेम तो नहीं लग रहा होगा ऑब्वियसली सेम नहीं लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पर ए टूट रही है यहाँ पर ए बन रही है तो मैम ने आपको शुरू में ही बता दिया था चाहे ए बने या ए टूटे इंजाइम जो लगेगी वो क्या लगेगी काइनेज लगेगी तो यहाँ पर भी काइनेज लगेगी यहाँ पर भी काइनेज लगेगी है ना आपको पता है अगर ये रिएक्शन में जा रहा है तो ये सबस्ट्रेट है या ये क्या है रिएक्टेंट है और ये सारा केमिस्ट्री पार्ट है बच्चों बेसिक और ये क्या है हमारा प्रोडक्ट है सिमिलरली ये क्या है हमारा ये हमारा रिएक्टेंट है क्योंकि रिएक्शन में जा रहा है और ये क्या है सबस्ट्रेट है और ये क्या है आपका प्रोडक्ट है बेसिक सी चीज है अब ध्यान से सुनना है ठीक है अब यहां पर ए टूट रही है तो भी काइनेज लगा रहे हैं यहाँ पर ए बन रही है तो भी काइनेज लगा रहे हैं तो इन दोनों चीजों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए इंजाइन के रिस्पेक्ट में होता क्या है क्या यूज किया जाता है अगर यहाँ पर ए टूट रही है तो काइनेज का जो नाम होगा ना वो किसके साथ जोड़ा जाएगा एक सबस्ट्रेट के साथ सबस्ट्रेट का नाम लिखा जाएगा फिर क्या लिखा जाएगा काइनेज बट यहाँ पर एटीपी बन रही है तो एटीपी बन रही है तो आप क्या लगाओगे से से पहले पहले प्रोडक्ट प्रोडक्ट का का नाम का नाम जैसे जैसे ध्यान करो ये देखो यहां पर क्या हो रहा था एटीपी टूट रही थी तो टूट रही थी तो अभी हमने क्या बोला सबस्ट्रेट का नाम लगाएंगे तो सबस्ट्रेट को हम क्या बोलते हैं सबस्ट्रेट को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं शुगर क्योंकि कार्बन का शुगर होता है इसलिए देखो आगे वर्ड क्या लगाया हुआ है हमने तो हमने तो से पहले किसका नाम लिखा हुआ है एक सबस्ट्रेट का नाम लिखा हुआ है किसका बच्चों एक सबस्ट्रेट का सिमिलरली देखो यहाँ पे भी हो रहा है फॉस्फोफ्रक्टो फॉस्फोफ्रक्टो लिखा हुआ है कहाँ सबस्ट्रेट में तो काइनेस के आगे अगर सबस्ट्रेट का नाम है तो समझ जाना कि वहां पर एटीपी टूटी होगी ठीक है अब देखो अब जो नोटिस करने वाली है जहां पर एटीपी बना है तो देखो यहां पर एटीपी बना है ठीक है यहाँ पर एटीपी बना है तो देखो अब हमने क्या नाम लगाया है पीजीए का पीजी का मतलब फॉस्फोग्लिसरेट क्या है फॉस्फोग्लिसरेट तो क्या नाम रखोगे फॉस्फोग्लिसरेट फॉस्फोगट क्या नाम रखोगे फॉस्फोग्लिसरेट ठीक है उसके बाद बच्चों नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ यार थ्री पीजीए से सिर्फ म्यूटेशन हुई है कन्वर्जन हुआ है form का इस process को mutation बोलते हैं enzyme आ गई हमारे पास mutase, यहां पर क्या हुआ Two PGA किस में गया inolation में इस तरीके के रिवर्सिबल रिएक्शन को इनोलेशन बोलते हैं इंजाइम का नाम याद रखना पड़ेगा इनोलेस और इसी स्टेप में बच्चों याद रखना है नाइन्थ स्टेप में वाटर का रिमूवल होता है वाटर के रिमूवल को हम क्या बोलते हैं डिहाइड्रेशन कितनी बार होगा टोटल दो बारी क्यों क्योंकि वो पूरा का पूरा सिक्वेंस ही दो बारी चल रहा है ठीक है फिर रिएक्शन क्या है बच्चों रिएक्शन है जब किसमें कन्वर्ट हो जाता है पायरुबिक एसिड में ठीक है कौन कराता है पायरो अच्छा अब अच्छा, ध्यान से सुनना यहाँ पर क्या हो रहा है एटीपी बन रही है तो जब एटीपी बनती है एटीपी बनती है तो किसका नाम लगाते हैं प्रोडक्ट तो देखो प्रोडक्ट नहीं बन रहा या एसिड तो पायरो पर किसका नाम लगा हुआ है प्रोडक्ट का तो हमने यहाँ से कंसेप्ट सीखा काइनेस का नाम होगा तो जरूर जहाँ पर एटीपी बनेगी वहाँ पर प्रोडक्ट का नाम लगा दोगे पहले जहाँ पर एटीपी टूटेगी वहाँ पर लगा दोगे सबस्ट्रेट का नाम ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी हमने और हमने बच्चों ये भी देखा कहाँ कहाँ पर एनएडीएच बन रहा है कहाँ कहाँ पर ए बन रहा है फिर हमने ये देखा कि जहां पर एन बना था ठीक है वहां पर

और दूसरी सब लेवल टेंथ पर हो रही है आपको नंबर्स के साथ रिएक्शंस याद होनी चाहिए और ओवरऑल आप देखो आपने कितने रिएक्शंस पढ़े दस रिएक्शंस पढ़े हैं जिसमें फर्स्ट थर्ड एंड लास्ट क्या है बच्चों फर्स्ट थर्ड एंड लास्ट हमारा इररिवर्सिबल स्टेप है क्लियर है एक और चीज एक और चीज बताना चाहूंगी विद रिस्पेक्ट टू सिक्स

3, अगर मैं चाहूं तो सबके आगे क्या लगा दू टू टाइम्स क्यों लगा दू टू टाइम्स क्योंकि ये सब कुछ कितनी बार चलेगा बच्चों ट्वाइस चलेगा ठीक है ये भी ट्वाइस ये भी ट्वाइस सब कुछ ट्वाइस सब कुछ कर दे रही हूं आपके लिए जैसे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो ये भी कितना बनेगा टू टाइम्स ये भी कितना होगा बच्चों टू टाइम्स ये भी कितना होगा टू टाइम्स

सिक्स सेवन एट सॉरी सिक्स सेवन एट नाइन टेन दस ठीक है पूरा हमने कर लिया ग्लाइकोलिसिस खत्म इस पूरे ग्लाइकोलिसिस में बच्चों अब आपसे आप क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितनी एटीपी बनी कितने एनएडीएच बने तो सवाल ये है कि एटीपी कितनी बनी है एटीपी बनी है यहाँ पर दो यहाँ पर दो चार एटीपी टोटल चार एटीपी बनी है यार तुमने सौ रुपए सौ रुपए क्या क्या किए कमाए है ना ग्रॉस इनकम तुम्हारी सौ रुपए एक दिन की दिन की ठीक है घबराओ मत तुम करोड़ों में कमाओ बट एग्जाम्पल के लिए मान लो एक दिन की ग्रॉस इनकम आपकी सौ रुपए है है ना उसमें से आपने साठ रुपए खर्च कर दिए बच्चे कितने नेट इनकम तो चालीस ही हुई ना सिमिलरली चार ए बनी थी बट दो ए ऊपर खर्च भी तो हो रही है तो नेट ए कितनी हुई दो कितनी हुई दो तो याद रखना टोटल पूछ रहा है या नेट पूछ रहा है दूसरी बात आप देखो हमने बोला था ना कि ग्लाइकोलाइसिस दो फेजेस में डिवाइडेड है बिल्कुल है ना यहां से यहां तक देखो कोई एटीपी बन रही है कुछ भी नहीं हो रहा ना एनएडीएच बन रहा है ना एटीपी बन रहा है तो इस स्टेप को क्या बोलते हैं इस स्टेप को बोलते हैं एक्टिवेशन फेज क्या बोलते हैं एक्टिवेशन या क्या बोलते हैं एनर्जी कंज्यूमिंग फेज ग्लूकोज हम बोल रहे हैं यार ग्लूकोज को हम तोड़ेंगे एनर्जी लेने के लिए उल्टा तो इसने दो एनर्जी खा ली दो एटीपी खा ली तो इसलिए इसको एनर्जी कंज्यूमिंग फेज बट इसके बाद से यहां से लेकर के यहां तक कहा लिखू यहां लिख देती हूं यहां से लेकर के यहां तक इसको क्या बोला जाता है Phase, क्योंकि आप देखो आपको एनर्जी मिल रही है चाहे एन के फॉर्म में मिले चाहे ए के फॉर्म में मिल रही है ठीक है इसलिए हम बोलते हैं दो फेजेस में ये डिवाइडेड है तो हमने सारी बातें कवर कर ली है बच्चों हमने इंजाइम सारे के सारे कवर कर लिए हैं हम उन इंजाइम्स का नाम क्यों रखते हैं वो भी पढ़ लिया हमने फिर हमने ये देख लिया कि इस पर्टिकुलर रियक्शन को बोलते क्या है सेपरेटली पढ़ा कर कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो ठीक है सारे स्टेप्स पढ़ लिए हमने ये पढ़ लिए कि लिये पर टीपी बन रहा है कहाँ पर एन बन रहा है आपको याद रखना है विद रिस्पेक्ट टू रिएक्शन नंबर क्योंकि रिएक्शन नंबर याद रखोगे तो आपको सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट भी याद रह जाएगा क्लियर हो गया सब कुछ ओके okay. अब बहुत बड़ा चैलेंज है इसको याद करना बहुत बड़ा चैलेंज है यार बिकॉज मैं भी स्टूडेंट रह चुकी हूँ मुझे भी पता है बच्चे चैलेंज फेस करते हैं तो अगर एक निमोनिक्स मिल जाए तो भैया सोने पे निमोनिक्सहा है ना तो निमोनिक्स बता देती हूं। अच्छा तुम लोग ना यार बच्चे हो बड़े दिल पे ले लेते हो मेरे बनाए हुए निमोनिक्स बिल्कुल भी नहीं है मैंने भी आप लोगों के लिए थोड़ी परिश्रम की है ढूंढ के ही लाई हूँ ठीक है तो यार दिल पे मत लेना कमेंट सेक्शन में ये मत लिखना कि यार ये इनका निमोनिक्स है उनका निमोनिक्स है ब्लाक फलाने का निमोनिक्स है ठीक है गूगल का निमोनिक्स है ठीक है आओ बता देती हूँ जैसे थोड़ा सा आपको इजी हो जाए ठीक है दिल पे मत लेना निमोनिक्स को याद रखो कैसे जी 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 दीदी को बोलते हैं वैसे है ना जी जी फूफा आपको पता ही होगा जी जी फूफा दोनों गिरे बेचारे पी के पानी पेप्सी या सिर्फ सेंटेंस बनाने के लिए इस्तेमाल है पी के पानी पेप्सी या पुआ तो तो ये तो आपको सबको पता होगा क्या होता है उसके ज्यादा अंदर नहीं घुसते हैं बट ये एक निमोनिक है जिससे आपको याद हो जाएगा जी जी फूफा दोनों गिरे बेचारे पीके पानी पेप्सी है बहुत सारा गाना भी है तो सबको पता होगा अब जी फोर ग्लूकोज फटाफट लिख देती हूँ ग्लूकोज के बाद क्या बनाता ग्लूकोज सिक्स फोस्फेट उसके बाद क्या बनाता फ्रक्टोज फ्रक्टोसिक्स फॉस्फेट उसके बाद क्या बनाता फ्रक्टोज वन सिक्स बिस्फोस्फेट ठीक है, फिर वो टूट गया था डी में साथ ही साथ क्या बना था 3 उसके बाद क्या बना था पेप पेप के बाद बन गया था एसिड ठीक है तो ये निमोनिक्स है होपफुली आपको बहुत काम देगा क्योंकि एक बार एक बार पता चल गया ना सीक्वेंस यार पता चल गया ना बस सीक्वेंस तो तुम फटाफट बाकी सारा कर लोगे उसके बाद एक और निमोनिक लेकर आई है, with respect to enzymes. ये enzymes का है। तो वैसे तो मैंने आपको बोला enzymes रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा concept समझना है।, और ये है conceptual. मैं कुछ नहीं कर सकती ये चैप्टर ही कंसेप्चुअल है कंसेप्ट समझो कि तुम सोचो रट लो तुम्हें नहीं समझ में आता तो तुम उल्टा सीधा सोचने लगते हो थोड़ा टाइम देने वाला चैप्टर है थोड़ा कंसेप्ट समझने वाला चैप्टर है आ जाएगा ठीक है बट एनीस थोड़ा सा इजी बनाने के लिए एंजाइम्स का भी निमोनिक है एच पी पैट जीपी पेप ठीक है एच पी पैट जीपी पेप एच पी से देखो अब एक इसको उठा के ले जाते हैं तो थोड़ा हमारा इजी हो जाएगा वहीं से रिलेट करा दूंगी सारा एक सेकेंड देखो एच यहाँ पर किसके लिए है एच हमारा किसके लिए है बच्चों हेग्जो के लिए तुम्हारे लिए लिख देती हूँ हैग्जो पी किसके लिए है पी है हमारा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस फॉस्फो पैट में पी किसके लिए है नहीं एक सेकेंड एक सेकेंड फॉस्फो तो हमारा दूसरे के लिए है ना ये फॉस्फो हेगो आइसोमरीज है जैसा सेकेंड बच्चों, हमारा वो का चार्ट कहाँ गया हाँ ये वाला इसके लिए है जैसे सेकेंड बच्चों. फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस है ये वाला पी किसके लिए है फॉस्फो हेगो आइसोमरेज के लिए ठीक है तो इसी तरीके से जैसे मैम ने तीन लिखा है ना आप सारे लिख सकते हो इसके बाद ये क्या है एल्डोलेस ठीक है एल्डोलेस एल्डोलेस के बाद ये क्या है ट्रायोस फोस्फेट आइसोमरेज ठीक है फिर ये ग्लिसेरल डिहाइट थ्री फोस्फेट डिहाइड्रोजनेस ये क्या है तुम्हारा काइनेज फिर ये क्या है आपका ठीक है फिर ये इनोलेज है ये पायरोट काइनेज है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज है उसके बाद म्यूटेज आएगा ठीक है तो एच पी पैट जीपी पैप ठीक है आप सोच रहे हो कि मैम यहाँ तो म्यूटेज लिखा हुआ है रुको उसका कंप्लीट नेम लिख देती हूँ सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन ना हो जस्ट अ सेकेंड ठीक है यहाँ पर म्यूटेज है ना इसको फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज बोल सकते हैं ठीक है क्या बोल सकते हैं फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज इसलिए वहाँ पर पी से कंफ्यूज मत होना म्यूटेज से पहले ये वर्ड ऐड कर सकते हो तो तुम्हारा वो निमोनिक्स बिल्कुल फिट हो जाएगा क्योंकि होता ही ऐसा है तो एचपी पैट जीपी पेप क्लियर है तो कोई कंफ्यूजन अब नहीं होना चाहिए बच्चों अब हमने सारा निमोनिक्स भी कवर कर लिया आपके स्टडी को थोड़ा इजी बेहतर बनाने के लिए कह सकते हो है ना तो अब आपने थोड़ी सी अपनी भी परिश्रम करनी है हार्ड करना है ओके okay, तो निमोनिक्स याद रखना बच्चों निमोनिक्स आपने याद रखना है ठीक है लिख दिया है मैंने आधा आधा आप खुद से लिख लेना थोड़ा होमवर्क करो अब हम कर लेते हैं एक चीज़ क्या करेंगे अब हम हम लिखेंगे नेट प्रोडक्ट अगर क्वेश्चन आए टोटल गेन तो टोटल गेन में आप बोलोगे दो पायरुविक एसिड मिला आपको ठीक है आपके एनसीईआरटी में पायरोट लिखा हुआ है ग्लिसरिक एसिड की जगह ग्लिसरेट लिखा हुआ है कोई डिफरेंस नहीं है एक की जगह एट लिखा हुआ है आप दोनों बोल सकते हो चाहे ग्लिसरेट बोलो चाहे ग्लिसरिक एसिड बोलो पायरोइट बोलो एसिड बोलो ठीक है दो पायरोविक एसिड मिला बच्चों तुम कंप्लीट लिखोगे ठीक है दिस इज वॉट पायरोविक एसिड साथ ही साथ तुम्हें क्या मिला दो एनएडीएच ठीक है दो मॉलिक्यूल्स और तुम्हें टोटल चार ए मिलते हैं कितने चार दिखाया भी था बट चार में से ऊपर दो खर्च हो जाते हैं तो नेट गेन कितनी बन के आती है बच्चों नेट गेन बन के आएगा देखो पायर्विक एसिड तो अभी भी रहेगा तुम्हारे पास एन का कहीं खर्चा नहीं हुआ है अभी तक तो वो भी तुम्हारे पास उतना ही रहेगा किसका खर्चा हुआ दो ए का तो कितने बने दो ए तो एक ग्लाइकोलिस का ये सारा का सारा क्या है बच्चों नेट गेन है जो आपने याद रखना है अब आप सोच रहे होगी मैम एक ग्लूकोज से दो ही एटीपी देता है हाँ यार देता तो दो ही एटीपी है बट ये जो एटीपी बनी इसको हम सबस्ट्रेट लेवल बोलते हैं क्या बोलते हैं बच्चों सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन ये जो एनएडीएच बन रहा है ना इसके पास भी एटीपी है जो हमें पता चलेगी

तो वही पेज डिसाइड करता है वही ग्लाइकोलाइसिस का रेट रेट डिसाइड करता है, इसलिए उसको लिमिटिंग स्टेप बोलते हैं। How many ATP molecules are produced by, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था? Produced by substrate level phosphorylation? अच्छा ये अभी पढ़ा नहीं है ये अभी नहीं करवाती हूँ ये अभी तुमने कंप्लीट नहीं किया ना चैप्टर तो ये इस क्वेश्चन की बात हम नहीं करेंगे थीके? इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं ठीक है जैसे सेकेंड

फिर हम क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे ठीक है कौन सा होता है hexokinase. क्योंकि यही है जो ग्लूकोज का फॉस्फोर करा करके ग्लूकोज सिक्सफेट बनाता है सो so दोकाइनस और वैसे भी मैंने सीक्वेंस बताया ना एच पी उसमें भी कौन सबसे पहला आ रहा है? Hexokinase. है उसके बाद उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बच्चों

ठीक है तभी हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे बिकॉज जैसे ट्रेन का डब्बा होता है ना एक के बाद एक कनेक्टेड है ये सारे के प्रा, सारे प्रोसेस एक के बाद एक कनेक्टेड प्रोसेस है तो यू शुड नो ठीक है बच्चों तो पढ़ के आना रिवाइज करके आना मिलते हैं